आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है? कोई गलती, कोई रिलेशनशिप या कोई डिसीजन? वैसे तो ये क्वेश्चन थोड़ा प्राइवेट है, लेकिन किसी एक्टर से जब ये क्वेश्चन पूछो तो जवाब में वर्क रिलेटेड जवाब ही सुनने को मिलते हैं। हम बात कर रहे हैं उन इंसिडेंट्स की जब एक्टर्स वर कॉट ऑन कैमरा सेइंग द रिग्रेट टेकिंग अ रोल एंड एक्चुअली डिडंट वांट टू डू इट। हे गाइस एंड वेलकम टू ग्लैमडिया। व्हाट आर योर बिगेस्ट रिग्रेट्स? This might be one of the more obvious questions a journalist can ask an actor, but the answer can often be hugely revealing. और आज हम बात करेंगे top 5 greatest roles के बारे में that famous actors have claimed to regret doing. हम सोचते हैं कि एक अच्छी फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनना, फेमस कोवर्कर्स और डायरेक्टर्स के साथ काम करना ही ऑल दीज एक्टर्स वांट। लेकिन कभी कभी एक्टर्स के कुछ और ही एक्सपेक्टेशंस होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ऑन नंबर 1 वी हैव जैक इफ्रॉन इन हाई स्कूल म्यूजिकल। जैक इफ्रॉन काफी फेमस एक्टर रहे हैं और हम में से बहुत लोग उन्हें ट्रॉय बोल्टन के नाम से भी जानते हैं, विच वॉज हिज नेम इन द हाई स्कूल म्यूजिकल। हाउएवर स्टोरी की ट्विस्ट ये है कि जैक इफ्रॉन को नहीं पसंद कि लोग उनको एक हाई स्कूल जाने वाले एक लड़के के किरदार से जानते हैं, एंड नथिंग एल्स इन हिज करियर मैटर्स मोर देन दैट। ही टोल्ड मेंस फिटनेस इन एन इंटरव्यू कि काश वो किसी और किरदार के लिए जाने जाते जितना वो ट्रॉय बोल्टन के नाम से जाने जाते हैं। नंबर 2 वी हैव शिया लेबॉफ इन इंडियाना जोन्स एंड द किंगडम ऑफ क्रिस्टल स्कल। इंडियाना जोन्स इज अ क्लासिक सीरीज और इस सीरीज की फैन फॉलोइंग भी बहुत है। इंडियाना जोन्स के फैंस ने काफी हाई एक्सपेक्टेशंस रखी थी फ्रॉम द 4th इंस्टॉलमेंट ऑफ द सीरीज, बट मेनी वर डिसअपॉइंटेड बाय द बोरिंग साइंस फिक्शन एडवेंचर। ऐसे में आफ्टर द क्रिटिसिज्म फिल्म रिसीव्ड, फिल्म की इंपॉर्टेंट मेंबर शिया ने बताया कि शायद उन्होंने फिल्म की लीगेसी पे स्क्रिप्ट से ज्यादा भरोसा कर लिया। उन्हें काफी अतरंगी चीजें करने को कहा गया था इन द फिल्म। इससे भी हार्ट ब्रेकिंग 3rd नंबर पे डैनियल रेडक्लिफ का होना है। और नंबर 3 वी हैव डैनियल रेडक्लिफ इन हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंस। जी हाँ, हैरी पॉटर का रोल प्ले करने वाले हम सब के फेवरेट डैनियल एक्चुअली रिग्रेट बीइंग द पार्ट ऑफ द 6th इंस्टॉलमेंट हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंस। ही सेड ही कुडंट नोटिस एनी ग्रोथ इन हिमसेल्फ व्हाइल डूइंग द फिल्म। उनके हिसाब से उनकी एक्टिंग खराब रही थी इन द 6th पार्ट। रादर पार्ट 5 इज हिज फेवरेट क्योंकि इन दैट ही कुड फाइंड ग्रोथ। 4th इन आवर लिस्ट इज हाईली शॉकिंग एंड हार्ट ब्रेकिंग, इट्स केट विंसलेट टाइटैनिक में। जितनी ही हार्ट ब्रेकिंग टाइटैनिक की एंडिंग है, उतनी ही हार्ट ब्रेकिंग ये बात है कि केट विंसलेट डजंट एंजॉय हर स्क्रीन टाइम इन टाइटैनिक। उन्हें फिल्म से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट शी थिंक्स शी कुड हैव एक्टेड बेटर, एंड अगर उनको मौका मिले तो वो डेफिनेटली टाइम में पीछे फिर से जाकर दोबारा से टाइटैनिक शूट करना चाहेंगी, एंड वी वुडंट हेट दैट ईदर। क्रिस्टोफर प्लमर इन साउंड ऑफ म्यूजिक। साउंड ऑफ म्यूजिक स्टिल रिमेन्स अ क्लासिक फिल्म और लोगों की फेवरेट्स के लिस्ट में आज भी इस फिल्म का नाम आता है। टू फाइंड आउट दैट द मेल लीड डिडंट वांट टू डू द फिल्म इज मोर देन हार्ट ब्रेकिंग। क्रिस्टोफर ने बताया था कि उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था कैप्टन वॉन ट्रैप का रोल, एंड सेड दैट अकॉर्डिंग टू हिम द रोल वॉज वे टू सेंटिमेंटल एंड गुई, और इसलिए उन्हें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी थी टू एड सम ह्यूमर इन द रोल। All in all, he hated it terribly. तो ये थे कुछ bitter and sweet revelations of actors where they opened about their regrets of doing certain films. Do subscribe our channel Glamdia and hit the bell icon to never miss an update. Bye bye, take care.